हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम निकले हैं बाहर, थोड़ा सा सामान लेना था और मस्त बाहर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। मम्मा सुनो ना, मेरे पास इधर भाग रहे हैं। मम्मा सुनो ना यार, मम्मा। अच्छा, ये तो यहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो थोड़ी देर रुकेंगे और शूटिंग देखते हैं कि कैसे होती है। अरे वो देखा तो है आपने उसको भी। नहीं, आप जो आंटी थी वो तेरे खाने का भी दिखता है, जो खाना बनाती है ना तू। वो आज ही लेके गई थी, उन्होंने क्या पूछा फिर तू कहता वो से उसमें दिखेगा फिर अभी। किसमें? अरे वो तो खा पिक्चर में। हाँ पिक्चर में। तो ये है मराठी एक्टर सचित पाटिल, जिनका मराठी सीरियल अबोली, उसका शूट चल रहा था। तो हमने थोड़ा सा शूट देखा, लेकिन वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और ये फाइनल शूटिंग हो रही थी, जिसमें वो ये पुलिस की गाड़ी है उनकी, वो इंस्पेक्टर का रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। तो उसको लेके अभी वो जाएंगे और ये होने के बाद फिर हम भी निकल जाते हैं। तो शूट देखने के लिए हम वहाँ पे खड़े थे, तो उनके ही टीम में से एक मैम ने रियांश को उनके साथ लेके गई। वहाँ पे रास्ते में शूट चल रहा था, तो रास्ते पे आने जाने वाले लोग भी दिखने थे, तो रियांश का हाथ पकड़ के वो उसको लेके गई। और आई होप रियांश भी थोड़ा सा जो आने जाने वाले लोग दिखते हैं उनमें दिखेगा। तो देखते हैं। और ये गाड़ी देखिए, अभी ये शूट के लिए जा रही है और अभी हमको जहाँ जाना था हम वहाँ जाते हैं और थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रियांश की फ्रेंड के यहाँ, उसकी सिस्टर का बोर्नहार है। तो इस लड़के ने मुझे ना साड़ी वेयर करने दी, क्योंकि हम लोग बाहर गए थे, फट से आई, फिर उसके बाद मैंने तैयारी कर ली, जैसे तैसे ड्रेस डाला और चाय बनाई, दिया लगाया और बस ऐसे ही निकले हैं, क्योंकि इसको बहुत एक्साइटमेंट है बोर्नहार के लिए, उसे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है ना। तो उसने फ़ोन करके भी बोला उसको कि आंटी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आऊँगा, मतलब उसका कहना वही था कि मैं आ रहा हूँ तो आप मेरे बगैर करना मत, यही कहना चाह रहा था ना तू, क्योंकि उसे मिस नहीं करना था, इसलिए उसने मुझे ना साड़ी डालने दी, चाय भी बोल रहा था चाय मम्मा पानी की तरह पी लो गट 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 गट। तो अभी जाएंगे और रियांश मज़े करेगा, बहुत दिनों बाद एक्चुअली बोर्नहार वो इंजॉय करने वाला है। उसका तो हो गया 5 साल होने तक, मैंने उसका किया 5 साल तक ही करते हैं, वरना फिर 5 साल के ऊपर भी कर सकते ना, तो मैं करती रियांश तेरा पता है। तानू हे भाई, इकड़े तू साइडला हो, रोहिणी साइडला हो लवकर, बघत होती इकडे इकडे माझ्याकडे। तानू, तो तन्वी की ही है आज बोर्नहार, और उसे जो हलवे वाला साज आता है वो उसे पहना रही है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये सब नहीं पहनाने देते हैं, या तो बहुत छोटे होते हैं तब पहना सकते हैं उनको, या तो फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब वो अच्छे से पहनाने देते हैं। तो इसकी ही बोर्नहार है, तो पहले ये सब करेंगे, हल्दी कुमकुम भी होगा और मस्त बोर्नहार होगी, जिसे हमारे विदर्भ में लूट बोलते हैं, तो मेरे मुँह से हमेशा लूट ही निकलता है। सगळ्या जवळ या लवकर, रियांश बेटा जवळ हो त्यांच्या, हा हो समोर बघा। तो इस तरीके से मस्त बोर्नहार हुआ, हल्दी कुमकुम भी हुआ और उसके बाद थोड़ा सा खाना पीना भी हुआ। तो ये सब मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। लेकिन बहुत दिनों बाद मिले थे और रियांश भी बहुत दिनों बाद ऐसे उसने इंजॉय किया, तो बहुत अच्छा हुआ। और अभी देखते हैं, मुझे भी हल्दी कुमकुम करना है, तो कब होता है। तो आज के वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।